वेलकम टू ऑल, आई एम डॉक्टर ममता चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। आज का हमारा टॉपिक है ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लीफ। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था लीफ का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, लीफ का शेप, साइज और लीफ अरेंजमेंट यानी फिलोटैक्सी। आज का हमारा टॉपिक है ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लीफ। लीफ के डेवलपमेंट के लिए कई सारे मेरिस्टेम इन्वॉल्व होते हैं, और या तो ये मेरिस्टेम साथ साथ काम करते हैं या क्रमिक रूप से काम करते हैं। लीफ के ओरिजिन और डेवलपमेंट के लिए जो मेरिस्टेम्स उत्तरदायी हैं वो हैं एपिकल मेरिस्टेम, एडेक्सियल, मार्जिनल, प्लेट एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। किसी भी पत्ती के अंदर जो परिवर्तन है या वेरिएशन है वो मेरिस्टेम्स की सक्रियता पर निर्भर करते हैं। प्लांट्स में दो तरह का विकास होता है, हेटरोब्लास्टिक डेवलपमेंट और होमोब्लास्टिक डेवलपमेंट। हेटरोब्लास्टिक डेवलपमेंट में जो चेंजेस हैं लीफ में वो डिफरेंट होंगे, जबकि होमोब्लास्टिक डेवलपमेंट में जो पत्ती का जो शेप होगा वो समान रहेगा। दिस पिक्चर शो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम विच आर इन्वॉल्व्ड इन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लीफ। सबसे पहले जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, जो कि तने के शीर्ष पर पाया जाता है, ये गुंबदाकार होता है। इस एपिकल मेरिस्टेम में सबसे पहले पर्णाधक बनेगा। पर्णाधक जो बनता है वो एपिकल मेरिस्टेम की जो सेल्स हैं उनसे बनता है। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी को अगर हम फॉलो करते हैं तो ट्यूनिका की दूसरी या तीसरी परत में कोशिकाओं में विभाजन होगा, जिससे पर्णाधक या लीफ प्राइमोर्डिया बनेंगे। उसके बाद ट्यूनिका और कॉर्पस दोनों में ही एंटीक्लाइनर और पेरिक्लाइनर डिविजन्स होंगे, यानी अपनतिक व परिनतिक विभाजन होंगे, जिससे एक आउटग्रोथ निकलेगा, उसे कहेंगे लीफ बटरेस। उसके लीफ बटरेस बनने के बाद जो मेरिस्टेम्स हैं उनकी सक्रियता से पत्ती की शेष वृद्धि होगी। और वो मेरिस्टेम्स कौन कौन से होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, मार्जिनल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एडेक्सियल मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम। पत्ती की जो अंतर्वेशी ग्रोथ है वो होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम से। अब इसमें जो ये लीफ प्राइमोर्डिया बना है और उसका विकास हुआ है, तो उसमें कई सारे मेरिस्टेम जो हैं वो डिफरेंशिएट हो गए। तो लीफ की अपर सरफेस पे बनने वाला जो मेरिस्टेम है या विभेदित होने वाला मेरिस्टेम है वो है एडेक्सियल मेरिस्टेम। और लीफ के मार्जिन पे जो विभेद्योतक कोशिकाएँ विकसित होंगी उन्हें हम कहेंगे मार्जिनल मेरिस्टेम। और पत्ती की जो लैमिना पार्ट है उस पर जो मेरिस्टेम डेवलप होता है उसे कहते हैं प्लेट मेरिस्टेम। पत्ती का जो साइज है वो इस प्लेट मेरिस्टेम के कारण ही बढ़ता है। मार्जिनल मेरिस्टेम जो है वो पत्ती के किनारों में वृद्धि करेगा, और एडेक्सियल मेरिस्टेम जो है लीफ की अपर सरफेस पर वृद्धि करेगा। कई सारे ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो उत्तरदायी होते हैं पत्ती के पर्णाधक के निर्माण के लिए, वो हैं ऑक्सिन्स एंड जिब्रेलिन्स। इसके अलावा एक प्रोटीन होता है एक्सपेंसिन, ये भी एपिकल मेरिस्टेम में लीफ प्राइमोर्डिया के ग्रोथ को प्रमोट करता है। नाउ लीफ डेवलपमेंट, जैसा कि हमने भी पढ़ा कि एपिकल मेरिस्टेम के जो परिधीय क्षेत्र है उसमें कई सारे परिणतिक या पेरिकाइनल डिविजन्स होंगे, जिससे एक पत्ती प्रारंभ होगी। उसके बाद कई सारे पेरिक्लाइनर और एंटीक्लाइनर डिविजन्स की वजह से लीफ प्राइमोर्डियम विकसित होगा, जिसे हम लीफ प्राइमोर्डियम बटरस भी कहते हैं। उसके बाद एपिकल मेरिस्टेम की सेकेंड लेयर में कई सारे डिविजन्स होंगे। देन जो लीफ प्राइमोर्डिया है वो वर्टिकली ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा और उसके बाद वो फैलेगा पार्श्वीय रूप से। इनका मेरिस्टेम्स का जो डेवलपमेंट है
या विभेदन है वो पत्ती के फिलोटैक्सी पे भी डिपेंड करता है। नाउ व्हाट इज प्लास्टोक्रोन? प्लास्टोक्रोन होता है कि कोई भी दो लीफ प्राइमोडिया या पर्ण आध्यक बन रहे हैं, लगातार बनने वाले या क्रमिक रूप से बनने वाले जो पर्ण आध्यक हैं उनके बीच जो अंतराल होगा उसको हम कहेंगे प्लास्टोक्रोन। डाइकोट लीफ के अंदर डेवलपमेंट के तीन फेजेस हैं। पहला है लीफ इनिशिएशन या लीफ प्राइमोर्डियल इनिशिएशन, जिससे सेल डिवीज़न होगा और सेल ग्रोथ होगी। सेकंड है प्राइमरी मॉर्फोजेनेसिस। प्राइमरी मॉर्फोजेनेसिस के दौरान जो प्राइमोर्डिया लीफ एक्सिस है उसका निर्माण होगा, उसके बाद पत्ती की मोटाई में वृद्धि होगा, फिर जो लीफ का जो लैमिना पार्ट है उसमें आउटग्रोथ निकलेंगे और कई सारे मेरिस्टेम डेवलप होंगे जिसे हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम, मार्जिनल मेरिस्टेम। इन मेरिस्टेम्स की लगातार वृद्धि से लैमिना का पार्श्वीय प्रसार होगा। कंपाउंड लीफ की बात करें तो कंपाउंड लीफ में जो मार्जिनल मेरिस्टेम है वो आगे जाके सब डिवाइड होते हैं या डिवाइड होते हैं जिससे लीफलेट्स बनती हैं और लीफ में पिटियोल का भी आगे निर्माण होता है। नाउ थर्ड फेज, एक्सपेंशन एंड सेकेंडरी मॉर्फोजेनेसिस। ये जो अवस्था है सबसे लंबी अवस्था होती है पत्ती के विकास में, और इसमें जो है पत्ती कंटिन्यू वृद्धि करती है, विभेदित होती है, जिससे पत्ती के क्षेत्र में और आयतन में वृद्धि होती है। मार्जिनल मेरिस्टेम में दो लेयर्स होती हैं और सबसे आउटर जो लेयर होती है वो कहलाती है एपिकल, वो कहलाती है एपिडर्मिस। इसके बाद की जो भी ग्रोथ होगी उसके लिए इंटरकैलेरी और डिफ्यूज मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी उत्तरदायी होंगी। और इन मेरिस्टेम्स, ये मेरिस्टेम विभेदन करेंगे मीजोफिल्स का, प्रोवेस्कुलर टिश्यू, लीफ मार्जिन्स का, लीफ की बेसिक फॉर्म का और अन्य वृद्धि का। इस पिक्चर में शो हो रहा है कि प्राइमरी मॉर्फोजेनेसिस में जो है अपर लीफ जोन बनता है सेल्स का, लोअर लीफ जोन्स बनता है। जो अपर लीफ जोन होगा वो पत्ती की एडैक्सियल सरफेस का निर्माण करेगा और जो लोअर लीफ जोन है वो पत्ती की निचली सतह का निर्माण करेगा। पिक्चर में जो है एपिकल मेरिस्टेम शो हो रहा है जो कि गुम्बदाकार है और उसके दोनों ओर हमें जो सींग जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनको हम कहते हैं पर्ण आध्यक या लीफ प्राइमोर्डिया। इसी के ही टिश्यू में वृद्धि होने से पत्तियों का निर्माण होता है। शूट मेरिस्टेम जो है वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स का समूह होता है और ये आगे वृद्धि करता है। अगर हम शूट एपिकल मेरिस्टेम के जोन्स का वर्णन करें तो उसमें तीन प्रकार के जोन्स हैं, केंद्रीय क्षेत्र, परिधीय क्षेत्र और अंग क्षेत्र, यानी सेंट्रल जोन, पेरिफेरल जोन, ऑर्गन जोन। सेंट्रल जोन जो होगा वो शूट मेरिस्टेम के सेंटर में पाया जाता है और इसमें कोशिका विभाजन की जो दर है वो कम होती है, जबकि परिधीय क्षेत्र में कोशिका विभाजन की दर तेज होती है। ऑर्गन जोन में ऑर्गन प्राइमोर्डिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट है रिब मेरिस्टेम। रिब मेरिस्टेम जो है वो विभाजन द्वारा वैस्कुलर टिश्यूज और अन्य आंतरिक संरचनाएं बनाता है। दिस पिक्चर शो वेरियस जोन्स इन शूट एपिकल मेरिस्टेम। जैसे कि हमने भी पढ़ा सेंट्रल जोन, पेरिफेरल जोन, रिब मेरिस्टेम आदि। अगर हम सेलुलर स्ट्रक्चर देखें, अगर हम शूट एपिकल मेरिस्टेम का एलएस काटते हैं तो उस एलएस में हमको कई सारे जोन दिखाई देते हैं जिसमें सेंट्रल जोन होगा, पेरिफेरल जोन होगा, रिब मेरिस्टेम होगा और शूट मेरिस्टेम होगा। ड्यूरिंग ए प्लास्टोक्रोन द फॉर्मेशन ऑफ वन लीफ प्राइमोडियम एंड द शूट अपेक्स चेंज इन साइज। प्लास्टोक्रोन के दौरान ही शूट एपिकल मेरिस्टेम में के जो आकार है उसमें परिवर्तन आएंगे और ये जो परिवर्तन है ये डिपेंड करता है शूट अपेक्स की लीफ प्राइमोडिया पर।
मैनी इवेंट्स अकर इन द शूट मेरिस्टेम बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द लीफ प्राइमोर्डिया। तो इसमें कई सारी घटनाएं होती हैं जब शूट एपिकल मेरिस्टेम से लीफ प्राइमोर्डिया का डिफरेंशिएशन होगा। द फर्स्ट स्ट्रक्चरल साइन दैट ए लीफ प्राइमोर्डिया इज डेवलपिंग इज द पेरिकलाइन डिविजन ऑफ द सेल्स ऑन द एपिकल फ्लैंक ऑफ द शूट। इन डायकॉट्स इट अकर्स यूजली इन द सेकेंड एंड थर्ड लेयर ऑफ सेल्स। लीफ प्राइमोर्डिया की सेकेंड और जो थर्ड लेयर है उसमें डिविजन्स होते हैं जिनसे लीफ का पूरा निर्माण होता है। मोनोकॉट्स में जो ट्यूनिका की जो सरफेस वाली लेयर है उसमें पेरिकलाइन डिविजन से लीफ डेवलपमेंट होगा। नॉर्मली जो फर्स्ट लेयर होती है ट्यूनिका की वो एपिडर्मिस का निर्माण करती है और उसके बाद फिर जो बाकी की लेयर्स हैं उनमें कई सारे एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिविजन्स होंगे जिससे कि लीफ की सतह का विस्तार होगा। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ट्यूनिका कॉर्पस में जो ट्यूनिका लेयर है वो बनाती है एपिडर्मिस और एपिडर्मिस का निर्माण होता है एंटीक्लाइनल डिविजन से। उसके बाद जो कॉर्पस लेयर है जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की लेयर है वो कॉर्पस लेयर में कई सारे एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिविजन्स होंगे जिससे लीफ प्राइमोर्डिया बनती है। दिस पिक्चर शो लीफ इनिशिएशन इन कॉलियस। कॉलियस में हमें डोम शेप जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम दिखाई दे रहा है, उसके दोनों ओर जो स्ट्रक्चर है वो पर्ण आध्यक या लीफ प्राइमोर्डिया कहलाते हैं। दिस इज ए अपर व्यू ऑफ द लीफ डेवलपमेंट इन डायकॉट्स। तो डायकॉट्स में जैसे कि हमने देखा सबसे पहले शूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, उसमें डिविजन्स होंगे और जो शूट एपिकल मेरिस्टेम की जो ट्यूनिका और कॉर्पस लेयर है, ट्यूनिका में जब एंटीक्लाइनल डिविजन्स होंगे तो एपिडर्मिस बनेगा और कॉर्पस में एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल डिविजन से लीफ प्राइमोर्डिया बनेगा। एक्सिलरी बड प्राइमोर्डिया आर नॉट फॉर्म्ड अंटिल द लीफ प्राइमोर्डियम इज इन इट्स सेकेंड और थर्ड ब्लास्टोक्रोन। तो जो एक्सिलरी बर्ड प्राइमोर्डिया हैं वो तब तक नहीं बनेंगे जब तक कि सेकेंड और थर्ड प्लास्टोक्रोन अवस्था नहीं आ जाती। लीफ के जो पिट्यूल जहाँ लगा होता है वहाँ पे एक और पत्तीनुमा संरचना होती है जिसको हम अनुपर्ण या स्टिप्यूल कहते हैं। तो स्टिप्यूल का निर्माण भी एक स्मॉल आउटग्रोथ से होगा जो आगे जाके प्राइमोर्डियम बनाएगी यानी अनुपर्ण बनाएगी बाद में। पामेटली कंपाउंड जो लीव्स हैं उनमें जो लीफलेट प्राइमोर्डिया है वो पहले स्पष्ट होगा और ये भी थर्ड या फोर्थ प्लास्टोक्रोन के दौरान बनेगा। पिन्नेट लीफ में जो पिन्ना है वो मार्जिनल मेरिस्टेम के क्षेत्र से बनते हैं। ग्रासेस जो होती हैं उनमें शीथिंग लीव्स पाई जाती हैं। इन शीथिंग लीव्स का जो निर्माण है ये भी एपिकल मेरिस्टेम से ही होता है। नाउ एपिकल एंड इंटरकैलरी ग्रोथ इन अर्ली स्टेजेस आफ्टर द इनिशिएशन अराउंड द सेकंड प्लास्टोक्रोन द प्राइमोर्डिया मैनिफेस्ट एपिकल ग्रोथ। सेकंड प्लास्टोक्रोन के बाद जो है लीफ प्राइमोर्डिया बनेगा जो कि एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा। कई सारी स्पीशीज में जो वर्टिकल ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है अबैक्सियल साइड की ग्रोथ से। इस कारण जो यंग प्राइमोर्डिया है वो एपिकल मेरिस्टेम की तरफ बैंड हो जाता है और उसको प्रोटेक्शन करता है, एपिकल मेरिस्टेम को सुरक्षा प्रदान करता है लीफ प्राइमोर्डिया उसकी ओर झुककर। एपिकल ग्रोथ ऑफ द लीव सीजेज रिलेटिवली अर्ली ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द लीव इज ड्यू टू जनरल डिवीजन ऑफ सेल्स एंड एनलार्जमेंट थ्रू आउट द प्राइमोर्डियम। सेल डिवीजन स्टॉप्स एट द टिप ऑफ द लीव फर्स्ट एंड लास्ट एट द बेस। एक्सटेंशन ऑफ द लीफ इज ड्यू टू इंटरकैलरी ग्रोथ। इन मोनोकॉट्स देयर इज वेल डिफाइंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द लीफ प्राइमोर्डियम। वाटर लिलीज हैव ए इंटरकैलरी मेरिस्टेम एज वेल। लीफ का जो एक्सपेंशन है विस्तार है वो डिपेंड करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम पे और इंटरकैलरी मेरिस्टेम में ही डिविजन्स और विभेदन होके इंटरकैलरी ग्रोथ या अंतर्वेशी वृद्धि होती है।
मोनोकॉट्स में जो है स्पष्ट इंटरकलरी मेरिस्टेम्स पाए जाते हैं जो कि लीफ प्राइमोर्डियम के आधार पर स्थित होते हैं। नाउ मार्जिनल ग्रोथ, पत्ती की जो मार्जिनल ग्रोथ है उसके लिए उत्तरदायी मेरिस्टेम कौन सा होता है? मार्जिनल मेरिस्टेम। मार्जिनल मेरिस्टेम जो है वो लीफ प्राइमोर्डिया की लंबाई में वृद्धि के टाइम जो लीफ एक्सिस है उसके मार्जिन्स पे जो कोशिकाएं हैं उनमें लगातार कई विभाजन होंगे जिससे जो पत्ती का जो अक्ष है वो अक्ष है मध्यशिरा है वो पंख के समान दो पार्श पट्टियों में विभेदित हो जाएगा। इस तरह से मार्जिनल मेरिस्टेम के द्वारा पत्ती के वृद्धि होती है। जो मार्जिनल मेरिस्टेम है उसको आगे हम दो भागों में बांट सकते हैं, मार्जिनल इनिशियल्स एंड सब मार्जिनल इनिशियल्स। जो मार्जिनल इनिशियल्स हैं इनमें अपनतिक या एंटीकाइनल डिविजन्स होंगे जिससे लीफ की अभ्यक्ष सतह व अपाक्ष सतह दोनों सतहों पर कोशिकाएं ऐड होती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी। सब मार्जिनल इनिशियल्स जो हैं उन वो ये मार्जिनल इनिशियल्स के नीचे होंगी और इनमें सभी तलों पर विभाजन होता है जिससे जो लीफ लैमिना है उसके सारे आंतरिक ऊतक बनेंगे यानी इंटरनल टिश्यू का निर्माण होगा। नाउ एडेक्सियल ग्रोथ ऑफ द लीफ। एडेक्सियल ग्रोथ जो है वो एडेक्सियल मेरिस्टेम या अभ्यक्ष विभिजोतक के द्वारा होती है। इसमें लीफ प्राइमोर्डिया की लंबाई में वृद्धि के साथ साथ मोटाई में भी वृद्धि होती है यानी एक तरह से रेडियल ग्रोथ होती है और ये वृद्धि होती है। एडेक्सियल मेरिस्टेम में जो ग्रोथ होगी वो पेरिकलाइनल डिविजन्स के द्वारा होगी और इसके अलावा लीफ की जो मिडरिब है और पिटियोल है उसकी मोटाई में भी वृद्धि एडेक्सियल मेरिस्टेम के द्वारा ही होती है। तो एडेक्सियल मेरिस्टेम जो है वो पत्ती की मध्यशिरा का पिटियोल की मोटाई का निर्माण करता है। प्लेट मेरिस्टेम। प्लेट मेरिस्टेम जो है ये लीफ लैमिना के साइज में वृद्धि करता है। तो लीफ लैमिना का जो साइज होगा वो प्लेट मेरिस्टेम की सक्रियता के कारण ही होता है। पैलिसेड टिश्यू डिफरेंशिएट्स फ्रॉम द एडेक्सियल लेयर्स ऑफ मेसोफिल्स फॉर्म बाय द मार्जिनल मेरिस्टेम। जो पैलिसेड टिश्यूज हैं वो मार्जिनल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से ही बनते हैं और वो मेरिस्टेम कौन से होते हैं? एडेक्सियल लेयर वाले मेरिस्टेम होते हैं, जबकि जो अबेक्सियल लेयर जो है मार्जिनल मेरिस्टेम की वो बनाती है स्पंजी टिश्यूज। पैलिसेड टिश्यू डिफरेंशिएट फ्रॉम द एडेक्सियल लेयर ऑफ मेसोफिल फॉर्म बाय द मार्जिनल मेरिस्टेम whereas spongy mesophyll from the abaxial layer of the marginal meristem. Now venation pattern dicots. It is initiated by acropetal differentiation of a central provascular strand at the phyllopodium. As the lamina expands, more veins are added in a hierarchical model. Higher order veins develop from the apical area. Monocots. It is initiated by acropetal and basipetal differentiation. Higher order of veins developed from the apical area basipetally. तो लीफ में जो वेनेशन पैटर्न है ये जैसा कि हम जानते हैं कि जो वेनेशन है या जो वेन्स हैं वो क्या है? वैस्कुलर टिश्यू है। तो वैस्कुलर टिश्यू के विकास के टाइम जो मिडरिब है या मध्यशिरा है इसमें प्रो कैम्बियम का विभेदन होगा, फिर मध्यशिरा से जो फर्स्ट ऑर्डर की जो शिराएँ हैं वो निकलेंगी, फिर इन फर्स्ट ऑर्डर की शिराओं से सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर की शिराएं विकसित होती हैं जिससे कि डायकोट्स में पूरा रेटिकुलेट वेनेशन बन जाता है। तो लीफ में जो प्रोकैम्बियम है उसका पूर्ण रूप से विभेदन होता है और उसी से ही फिर वैस्कुलर टिश्यूज बनते हैं पत्ती में। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसमें जो फ्लोएम एलिमेंट्स हैं वो पहले बनेंगे प्रोकैम्बियम से और जबकि जो जाइलम एलिमेंट्स हैं वो बाद में बनेंगे। इसमें देख सकते हैं कि जो डायकॉट है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है और जो मोनोकॉट्स हैं उसमें पैरेलल वेनेशन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लीफ। थैंक यू।